हेलो एवरीवन इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट वेल लॉसेज एंड ऑल्सो अबाउट द म्यूचुअल इंटरफेरेंस एंड वील मूव ऑन टू टॉपिक इमेज वेल थ्योरी है क्यों ड्रॉ करते हैं बात करी थी तो हमने दो बाउंड्रीज की बात करी थी फर्स्ट वॉज द इम्पर्मिबल बाउंड्री जहाँ पे हमने इमेजिन किया था कि एक डिस्चार्जिंग इमेज वेल होगा यानी कि उस इमेज वेल well से पानी आप विड्रॉ कर रहे हैं ना कि एक्फर में भेज रहे हैं और एक बाउंड्री कैसी थी एक रिचार्ज बाउंड्री थी यानी कि जहाँ पे पानी कहीं ना कहीं से आ रहा हो ऑल राइट आर द टू बाउंड्रीज वी हैव डिस्कस्ड और इस रिचार्ज इमेज बाउंड्री में रिचार्ज बाउंड्री को यदि आप सिमुलेट करते हैं तो उसमें क्या केस होता है कि द रिचार्ज और आई वुड से द डिस्चार्ज इज

ये दोनों ही बाउंड्रीज एक ऑब्स्ट्रक्शन लेके आ रही थी उस पर्टिकुलर पंपिंग वेल के लिए जहाँ से आपको पानी विड्रॉ करना था सो नाओ वॉट हैपन यू हैव कन्वर्टेड दैट बाउंड्री इन टू दिस इमेज वेल और इसीलिए वो एक्र ऑफ इन्फाइन एक्सटेंट का फिर से मान लिया जाएगा कॉन्सिक्वेंटली द रेडियल फ्लो इक्वेशन कैन भी अप्लाइड नाउ जो कि आप पहले बिकॉज ऑफ दट बाउंड्री यू आर नॉट एबल टू अपलाई द रेडियल फ्लो इक्वेशन जिसमें कि आप बात करते हैं किसकी एक थीम इक्वेशन की या फिर ड्यूपिट्स इक्वेशन की एंड द थीज इक्वेशन थी जो कि होता है अनस्टडी स्टेट फ्लो में जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे सो नो द रिडल फ्लो इक्वेश कैन बी अपलाइड टू एनालाइज द्लो नियरफर बाउंड्रीज सो यू कैन गेट द डिस्चार्ज वट एवर बी द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज दैट इज अकरिंग देअर नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इंपैक्ट ऑफ एक्र बाउंड्रीज दोनों ही बाउंड्रीज कौन सी एक इंपरमेबल बाउंड्री एक रिचार्ज बाउंड्री ऑन वॉट ऑन टाइम ड्रॉ डाउन कर्म यदि मैं टाइम ड्रॉडाउन कर्व की बात करूँ तो लेट्स अगर मैं टाइम इंटरवल T1 पे बात करूँ और टाइम इंटरवल T2 टू बात करूँ और टाइम इंटरवल T3 पे बात करूँ लेट से T1 वन इज ईक्वल टू जीरो टी वन टी टू इज टू लेट से हंड्रेड यूनिट्स एंड टी थ्री इज टू टू हंड्रेड यूनिट्स तो इनिशियली तो कुछ ड्रॉडाउन में डिस्चार्ज नहीं ड्रॉडाउन में डिफरेंस नहीं देखा जाएगा बट कुछ समय बाद क्या होगा दे विल बी सम डिस्चार्ज फ्रॉम द मेन वेल वेन देर इज समिस्चार्ज फ्रॉम द मीन वेल देन द ड्रॉड विल बी देयर एंड ड्रॉ डाउन विल बी इंक्रीज फिर कुछ समय बाद क्या होगा सौ से दो सौ यूनिट आने में भी क्या होगा ड्रॉडाउन में कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा बेसिकली मैं कहूँ तो डेल्टा एस विल बी देयर द डेल्टा एस विल बी प्रजेंट सो विद द टाइम दिस ड्रा डाउन विल बी चेंजिंग सो इन द केस ऑफ इम्परमल बाउंड्री it accelerates drawdown, the ra drawdown rate in the flow of some region of aquifer. In the case of recharge boundary, this retards there, the rate of drawdown is uh, retarded due to with respect to the time there. Also the change in drawdown can be 0 if the well is supplied entirely with the recharge water. So, if the artificial source of water is there for that well, case, mein kya hoga? the change in drawdown will be 0. अब इसको हम समझते हैं कि ये कैसे एक्सेलरेट करता है या फिर कैसे ये इसका जो रेट ऑफ ड्रॉडाउन है वो कम हो जाता है तो इस कर्व में यदि आप देखिए तो इस कर्व में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है सबसे पहली चीज़ कि दिस इज द दिस इज़ द दिस इज द ड्रॉडाउन एक्सेस और ये जो है टाइम सिंस द पम्पिंग बिगैन जब आपने इनिशियल पम्पिंग की तो यदि नॉर्मल ड्रॉडाउन कर्व हम बनाते तो क्या होता समय के साथ साथ समय के साथ साथ

वैसे वैसे क्या होगा ड्रॉडाउन भी बढ़ेगा पहली बार एस वन था ड्रॉडाउन दूसरी बार टाइम टी टू के लिए एस टू हो जाएगा ड्रॉडाउन फिर कुछ समय और बीतेगा तो दिस ड्रॉडाउन विल बी डिक्रीज ओके दिस दिस इज द एस थ्री डॉडाउन तो ड्रॉडाउन और बढ़ता चला जाएगा यहाँ पर अच्छा यदि मैं बात करूँ कि यहाँ पर कोई बाउंड्री आ गई ओके दिस कैन बी इम्परमेबल बाउंड्री या फिर रिचार्ज बाउंड्री तो उस केस में क्या होगा यदि रिचार्ज बाउंड्री है तो वो क्या करेगी पानी सप्लाई करती जाएगी जब पानी सप्लाई करेगी सो एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम उसके बाद क्या होगा जो रेट ऑफ ड्राडाउन है जो ड्रा डाउन में है रेट इसका वो भी जो चेंजेस हैं वो समय के साथ साथ आप देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा चेंज यहाँ पे नहीं कर पा रहा है बट वहीं यदि आप बात करें कि एक इम्परमेबल परमेबल बाउंड्री है तो वहाँ पे पानी की कमी देखने को मिल रही थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो ये जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड एक्सेलेट कर जाएगा सो इन द केस ऑफ इम्परमेबल बाउंड्री दिस हैज़ बिन एक्सेलेटेड एंड इन दिस बाउंड्री इट हैज़ बिन वॉट रिटार्डेड so, यहाँ पे ये रेट ऑफ ड्रॉडाउन जो है कम हो गया रेट ऑफ ड्रा हैज डिक्रीज फॉर द रिचार्ज बाउंड्री और इमपर्मिबल बाउंड्री के लिए द रेट ऑफ ड्रॉडाउन हैज एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दर बाउंड्रीज ऑन टाइम ड्रॉड कर नो लेट एस स्टॉक अब वेल लॉसेज नो वॉट है वॉटर इज पम्प आउट ऑफ अ वेल यू नो डैट समाउन इज कॉस्ड ओके पानी का स्तर उस वेल में नीचे जाता है वन यू पंप आउट द वॉटर सो द टोटल ड्रॉ डाउन कॉज्ड इंक्लूड्स टू थिंग्स वॉट फर्स्ट इज द एक्र लॉसेज एंड सेकेंड इज द वेल लॉस तो एक्र लॉस की हम बात करें तो इट इज द ड्रॉ डाउन गिवन बाय लॉगर इज मेक ड्रॉ डाउन कर जो कि आप हमेशा देखते आए हैं ये डायग्राम आप हमेशा जब हम कोन ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं तो आप हमेशा ये डायग्राम देखते हैं हम यदि दूसरे लॉस की बात करें इट इज द वेल लॉस तो इट इज द ड्रॉ डाउन कॉज बाय द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द वेल स्क्रीन एंड इट्स एजियन मूवमेंट विद इन द वेल तो so, यदि ये वेल है सो वॉट विल हैपन द वॉटर विल फ्लो फ्रॉम ऑल द रेडियल डायरेक्शन्स और फ्राम ऑल द रेडियल डायरेक्शंस हेयर नाउ द थिंग इज इफ द वॉटर इज कमिंग हेयर सो इट इज़ मूविंग थ्रू द सेडिमेंट पार्टिकल्स जितने भी वॉइड्स हैं सॉयल में वहाँ से वो पानी आ रहा है सो इट विल भी टेकिंग अलॉन्ग विद इट सम ऑफ द सेडिमेंट पार्टिकल्स ऑल्सो और जब ये बाउंड्री के पास पहुँचेगा इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द बाउंड्री देन वाट विल हैपन इट विल ट्राई टू टेक इन सम ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स ऑल्सो तो वेन देर इज अ वेल स्क्रीन डेट इज देयर उस केस में हम वेल well लॉस को देखने को मिलता है हमें विल टॉक अबाउट दिस बिकॉज इफ सी द डाइग्राम हेयर तो ये जो ये वाला रीजन है दिस रीजन हेयर यहाँ पे यहाँ पे तो पानी दूर वाले रीजन पे तो पानी आराम से आएगा ये बिकॉज ऑफ द लेमिनार फ्लो इतने रीजन में तो लेमिनार फ्लो है बट जैसे ही ये वेल well के पास में पहुँचेगा इन दिस जोन यहाँ पे क्या होता है दिस कम्स आउट टू बी टर्बुलेंट फ्लो और ये जो रीजन है ये लेमिनार फ्लो का रीजन है जब टर्बुलेंट फ्लो का रीजन है तो यहां पे हमेशा आपको हेड लॉस देखने को मिलेगा जिसको आप कह सकते हैं वेल लॉस के रूप में डिस्चार्ज के रूप में बात करें सो दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअली द लॉस इजली पोर्शन टू क्यू स्क्केजरेक्टली पोर्शन टू द क्यू स्क्न सी हर डेट आई गिवेन दिस टर्म एज ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो नियर द वेल फेस दिस इज द वेल लॉस इज डायरेक्टली पोर्शन टू क्यू के पावर में एन सो इन दिस केस वी ऑलवेज सी डेट टू द टर्बुलेंट फ्लो दिस इज ऑलमोस्ट एन इज इक्वल टू टूट्स डेट वी आर डिस्क्यू फॉर लॉस एंड वेल लॉस तो दीदी हम यहाँ पे बात करें तो पहला तो जब भी आप वॉटर विदड्रॉ कर रहे होंगे फ्रॉम एनी वेल वाट विल है and this drawdown is represented by the cone of depression. This is the cone of depression. Now what will happen? There is some aquifer loss, जो कि यहाँ पे आपको हमेशा देखने को मिलेगा। इसके बारे में हमेशा हम बात करते रहते हैं। but there is some well loss, why due to, to turbulence in the well screen here. अब यहाँ पे well screen की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो जहाँ से भी पानी इसके अंदर आ रहा होगा, वहाँ पे उस confined region में, यदि आप con, confined aquifer की बात करें तो उस जोन में क्या होगा हमेशा दे विल बी सम वेल स्क्रीन डेट विल बी प्लेस्ड वेल स्क्रीन विल बी प्लेस्ड तो जब भी यहाँ पे वाटर आएगा तो इट विल बी टेकिंग अलॉन्ग विद द सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लॉस देखने को मिलता है उसको हम बोल देते हैं वेल लॉस तो दीज आर द टू लॉसेज डेट वी आर टॉकिंग अबाउट सो इन इन द केस ऑफ दिस एक्यूफर लॉस दिस ड्रॉ डाउन एस डेट इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस एच जो हमने पहले भी ड्यूपिट्स और थीम्स थ्योरी में डिस्कस किया था उसका कुछ फॉर्मूला क्यू के टर्म में दिया था बिकॉज वी आर कैलुलेटिंग द डिस्चार्ज फ्रॉम द मेन वेल देयर बट यदि यदि हम उसी फार्मूले को उस ड्यूपिट्स के फॉर्मूले को जो कि हमने कन्फाइंड एक्यूफर के लिए दिया था ड्यूपिट्स फॉर्मूला फॉर कन्फाइंड एक्यूफर उसी फार्मूले को यदि हम ड्रॉडाउन के टर्म्स में लिखते हैं सो दिस कम्स आउट टू भी समथिंग लाइक दिस थिंग एयर ओके क्यू अपॉन्ट टू बाई के बी इन टू एल एन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर ओके एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा इसमें कि यहाँ पर एक क्यू टर्म है और बाकी सारे जो टर्म है ये एक तरीके से कॉन्स्टेंट हैं इसमें कोई चेंज नहीं मिल रहा है इसमें आर रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए सेम रहेगा ये जो स्मॉल आर है दिस इज नथिंग बट आर डब्ल्यू डेट इज़ द रेडियस ऑफ द वेल तो यदि हम बोलना चाहें तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि दिस एक्यूफर लॉस इज इक्वल टू सी वन इन क्यू एंड टोटल डॉ डाउन इज गिवन बाई टू थिंग्स वॉट एक्यूफर लॉस एंड द वेल लॉस जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि सी वन क्यू है और ये सी टू क्यू की पावर एन है या फिर इसी हमको क्या बोल सकते हैं इसको सी टू क्यू की पावर टू है और C1 की वैल्यू क्या है इट इज एल एन कैपिटल कॉन्स्टेंट हेयर इज नथिंग बट सी वन तो सीवन एंड सी टू आर डिटेमेंड एक्चुअली फ्रॉम द पंपिंग आउट टेस्ट एंड बाय मेजरिंग द ड्रॉडाउन एट वेरियस डिस्चार्जेस आपने एक बार लेट से हंड्रेड यूनिट्स का डिस्चार्ज निकाला सो so, उसके करस्पॉन्डिंग आपने ड्रा डाउन मेजर किया फिर आपने 200 हंड्रेड यूनिट्स का डिस्चार्ज निकाला उसके करस्पॉन्डिंग आपने ड्रा डाउन नोट किया सो बाय देट यू कैन ईजिल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C1 वन एंड सी टू फॉर द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यू विल गेट द डिफरेंट डिफरेंट डिस्चार्ज तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी इसी तरीके से आपके पास दूसरी इक्वेशन आएगी ओके okay? क्यू के लिए एक हो गया देन एक क्यू के लिए हो गया एंड क्यू के लिए हो गया सो ऑन यू कैन फाइंड आउट फॉर डिफरेंट डिफरेंट डिस्चार्जेस लेट इसउट द स्पेसिफिक कैपैसिटी तो जब भी आप वेल की बात कर रहे हैं ओके देर इज सम क्यू डिस्चार्ज अच्छा जब क्यू डिस्चार्ज आप बाहर निकाल रहे हैं तो वॉट विल हैपन देर वी सम्रॉ डाउन जिसको हम ऐस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है ये हमेशा हम ये नहीं बात करते हैं कि लेट से पाँच हज़ार लीटर पर मिनट पानी बाहर आ रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा बट पाँच हजार लीटर पानी पर मिनट बाहर आ रहा है बट वॉट हाउ मच इज द ड्रा डाउन उसके रिस्पेक्ट में हम हमेशा बात करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या स्पेसिफिक कैपेसिटी सो इट इज द ईल्ड ऑफ द वेल इट इज द डिस्चार्ज ऑफ द वेल पर यूनिट ड्रा डाउन तो जितना भी पानी उस वेल well में नीचे गया है उसके रिस्पेक्ट में हम हमेशा कैपेसिटी की बात करेंगे सो so, उसको हम बात करते हैं उसको हम एक टर्म देते हैं उसका नाम है स्पेसिफिक कैपेसिटी इट इज द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द वेल तो स्पेसिफिक कैपेसिटी की यदि आप बात करें तो इट इज द डिस्चार्ज ऑफ द वेल पर यूनिट ड्रॉडाउन इन द वेल तो यदि आप नोटेशंस के रूप में बात करें सो इट इज क्यू अपॉन एस और ये जो एस है डाउन इसमें आप दो चीजें देखेंगे क्या एक तो एक लॉस एक्यू लॉस हेयर एंड द अदर थिंग इज द वेल लॉसेज तो यदि आप इसमें इसको सिम्प्लीफाई करते हैं तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिस स्पेसिफिक कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वट वन अपॉन दिस सी वन प्लस सी टू इन टू क्यू पार में एन माइनस वन तो द अव रिलेशन शोज दैट स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द वेल इज नॉट कॉन्स्टेंट बट इट डिक्रीजेज एज द डिस्चार्ज इंक्रीजेज यानी कि स्पेसिफिक कैपेसिटी एक्चुअल में ये Q के प्रोपोर्शनल नहीं है बट दिस स्पेसिफिक कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q. सो आपको यहाँ इस मामले में तो दिखेगा कि हाँ भाई ये डिस्चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट ऐसा एक्चुअल में देखने को नहीं मिलता है इट इज डिक्रीजिंग एज द डिस्चार्ज इंक्रीजेज जैसे डिस्चार्ज आप बाहर जो आप पंपिंग वेल well से बाहर पानी निकाल रहे हैं जितना ज्यादा आप पानी निकाल रहे होंगे वैसे वैसे स्पेसिफिक कैपेसिटी वेल की कम होती जाएगी बिकॉज द ड्रॉडाउन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग देयर सॉरी ड्रॉडाउन इज इंक्रीजिंग देयर नो लेट अस टॉक अबाउट द वेल लॉसेज कुछ पॉइंट है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेल लॉस कितना हो रहा है हैज एन इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ऑन द पंप एफिशियंसी बिकॉज वॉट एवर इफ यू वॉन्ट हायर डिस्चार्ज टू बी टेकन आउट फ्रॉम द वेल सो वी टॉकिंग अबाउट दैट हायर कैपेसिटी पम्प हैज टू बी इंस्टॉल्ड देयर यदि हम सेकेंड बात करते हैं एबनॉमली हाई वैल्यू ऑफ वेल लॉस इंडिकेट्स दलॉगिंग और द इनक्रस्टेशन ऑफ द वैल स्क्रीन सो द वाटर इज एक्चुअली मूविंग आउट फ्रॉम द वैल स्क्रीन तो यहाँ पे वाटर विल बी ट्राइंग टू कमिंग आउट कमिंग इन टू द वेल और यहाँ से तो आपका डिस्चार्ज निकल रहा है ना वॉट वेल है ये जो स्क्रीन्स लगी होती हैं ना जो स्क्रीन्स यहाँ पर लगी हैं इन सब में क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे पार्टिकल्स आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं ब्लॉक द वे जो एक्चुअल में किसके लिए था इट वॉज फॉर वॉटर इट वॉज एक्चुअली फॉर द वॉटर सो इफ दिस है वेल वाई व्यू आर टॉकिंग अबाउट एफिशियंसी क्यों क्योंकि आपको कुछ डिस्चार्ज रिक्वायर्ड था बट ड्यू टू द लॉसिज दैट डिस्चार्ज हेज नाउ रिड्यूज तो समय के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करना पड़ेगा वेल का बिकॉज द जैसे हमने लास्ट डाइग्राम में देखा था कि यहाँ पे फ्रिक्वेंट क्लॉगिंग देखी जा रही थी नाउ दिस क्लॉगिंग हैज़ टू बी रिमूवड या फिर क्या करिए आपको वेल well स्क्रीन को ही रिप्लेस करना पड़ेगा आपको नई वेल स्क्रीन लगानी पड़ेगी सो दिज आर द फ्यू मेजर्स विच वी वी टॉकिंग अबाउट लेटर ऑन तो वो आपको देखना पड़ता है वेल एफिशियंसी शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ द वेल ड्यूरिंग द पंपिंग इट डिपेंड्स अपॉन द वेल लॉसेज वेल इज एफिशियंट देन देर इज नो लॉस इन द वेल ऑब्वियस बात है जब हम एफिशियंसी की बात करते हैं तो दो चीज़ें आती हैं क्या एक तो इनपुट होता है और दूसरा होता है आउटपुट तो जितना आपने इनपुट दिया उतना ही यदि आउटपुट मिल गया तो डेट इज हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी बट यदि आप इनपुट हंड्रेड यूनिट का दे रहे हैं और आउटपुट आपको नब्बे यूनिट का मिल रहा है दैट इज नाइन्टी परसेंट एफिशियसी एंड सोन तो यदि वेल एफिशियंट है पूरी तरीके से तो वहां पर क्या हो रहा है कोई लॉसेज देखने को नहीं मिल रहे हैं ओके तो दिस इज ऑल अबाउट एफिशियंसी ऑफ द वेल जो कि डिपेंड किसके ऊपर करता है जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा दैट इज द वेल लॉसेज यदि हम एक और बात करें फॉर ऑप्टेनिंग ड्रॉडाउन एट विच वी गेट मैक्सिमम एफिशियंसी तो होता क्या है कि कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और हमेशा ये चीज़ देखी गई कि ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर केसेस में जो न, ये जो परसेंटेज ड्रॉडाउन है ना ये लेट्स से कुछ एक क्यू यील्ड तक अगर मैं बात करूँ तो वहाँ तक के लिए तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ऐसे ही चलता जाएगा ये आप ये रेट कभी नहीं आपको देखने को मिलता है वॉट हैपन इनिशियली तो ड्रॉडाउन आपको मिलेगा प्रॉपर इन दिस जोन कुछ कुछ समय तक, तक तो आपको मिलेगा ए परसेंटेज सर्टन परसेंटेज ऑफ ड्रॉडाउन बट उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ड्रॉडाउन एक एक लिमिट के बाद चला जाता है लेट से यहां पे 40 यूनिट्स का दे रखा है उसके बाद जैसे ही जाएगा सो so यहां पे ईल्ड में उतना ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा यहां पे 65 फाइव ली कहते हैं सत्तर परसेंट कह देते हैं पचहत्तर परसेंट कह देते हैं तो यहां पे 30 ही परसेंट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा बट इनिशियली यदि आप देखें इन द केस ऑफ ड्रॉडाउन तो यहां पर आपको ड्रॉडाउन कम देखने को मिल रहा है बट बाद में ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा सो देर इज द दिस प्लॉट इज बिटवीन द डिस्चार्ज एंड द ड्रॉडाउन यदि हम इसको वर्ड्स में बात करें तो द कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन अप टू अ सर्टेन ड्रॉडाउन जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बट उसके बाद क्या हो रहा है आप ड्रॉडाउन तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ये बढ़ रहा है ऑलराइट इन दिस वाई एक्स एक्स एक्सेस एयर बट उसके करस्पॉन्डिंगली जो डिस्चार्ज है ना ये जो है डिस चेंज हो रहा है मतलब उस प्रोपोर्शन में नहीं है जितना आप चाहते हैं द लिमिट अप टू विच इट शोज अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द एफिशियंट लिमिट ऑफ ड्रॉडाउन तो आपको जब भी ड्रॉडाउन की बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आप पचहत्तर परसेंट तक बात करिए आपको फुल एफिशियंसी ऑफ द वेल पे जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज द वेल लॉसिज विल बी सिग्निफिकेंटली हाइयर और जब वेल well लॉसेज बढ़ जाएंगे सो इन दिस जोन वॉट हैपन्स एक्चुअली कि यहाँ पे वेल well लॉसेज की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि क्या यदि आप फुल कैपेसिटी पे डिस्चार्ज निकालना चाह रहे हैं इन द वेरी फुल हंड्रेड परसेंट एफिशियसी यदि आप पाना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाती है बिकॉज वहाँ पे क्या होगा जो वेल है होगा उसके आसपास के रीजन में क्या होगा वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो होगा और उस टर्बुलेंट फ्लो के कारण जो स्क्रीन्स होंगी डैट विल बी गेटिंग क्लॉग्ड सो डैट विल बी रिड्यूसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द वेल नो लेट इस टॉक अबाउट द इंटरफेरेंस अमंग द वेल्स वेन द टू वेल्स आर सिचुएटेड नियर टू इच अदर एंड आर डिस्चार्जिंग देन दे आर ड्रॉ कर्व इंटरसेक्ट एंड दे आर सेट टू इंटरफेयर ये जो हमने पहली लाइन यहाँ पे पढ़ी है इसको हमने कई बार डायग्राम्स में देखा था जब हमने बात करी थी मल्टीपल वेल्स की इवन हमने इमेज वेल्स की बात करी थी वहाँ पे भी हमने कुछ सुपर इम्पोजिशन टाइप का वहाँ पे देखा था नॉ द डिस्चार्ज इन द इंडिविजुअल वेल्स डिक्रीज ड्यू टू द इंटरफेरेंस अच्छा ये जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे दो वेल्स की तो इन दो वेल्स में हम हमेशा बात करते हैं कि ये आइडेंटिकल वेल्स हों ये आइडेंटिकल वेल्स हों क्यों क्योंकि तभी हम सुपरपोजिशन इफेक्ट लगा पाएंगे दीज आर आइडेंटिकल वेल्स आइडेंटिकल वेल्स मतलब क्या आइडेंटिकल वेल्स मतलब कि इनका डायमीटर सेम हो ड्रॉडाउन सेम करें और डिस्चार्ज भी सेम हो ओवर सेम पीरियड ऑफ टाइम सो दीज आर द आइडेंटिकल वेल्स यदि आप यहाँ पे देखिए कन्फाइंड आइफर में तो सबसे पहले यहाँ पे आप डायग्राम में देखिएगा कि यहाँ पे दो वेल्स हैं फर्स्ट एंड सेकेंड तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वेल की और आप ध्यान से डायग्राम में देखिएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वेल को दिस इज द फर्स्ट वेल हर जहाँ से डिस्चार्ज जो निकल रहा है डेट इज क्यू वन अब इस Q1 के लिए जो एक्चुअल ड्रॉडाउन कर्व है वो कुछ इस तरीके का है दिस इज द ड्रॉडाउन कर्व जो यहां पे मैं पेन से मार्क कर रहा हूं दैट इज द ड्रॉडाउन कर्व तो ये जो तो एक इसका है अब ये ड्रॉडाउन कर्व जो है कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस सेकेंड वाले को इंटरफेयर कर रहा है यहां पर तो यदि मैं अब इंडिविजुअली सेकेंड वाले वेल की बात करूं तो इसका ड्रॉडाउन कर्व क्या है इसका ड्रॉडाउन कर्व कुछ इस तरीके का है तो दिस सेकेंड वाले का जो ड्रॉड uh, है ये फर्स्ट वाले को इंटरफेयर कर रहा है okay? so, पे पे ओके सो भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे सो दिस इज कॉल्ड एज द म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ द वेल और इंटरफेरेंस अमंग नो वॉट विल ना इसका पाथ फॉलो होगा ना इसका पाथ फॉलो होगा एंड द एक्चुअल रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द सुपर थ्योरी सुपर थ्योरी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होंगे और जैसे ही सुपर इम्पोज होंगे तो जो आपको रिजल्टेंट ड्रॉडाउन कर देखने को मिलेगा वो इसके जैसे यदि आप वन की विसिनिटी में बात करें तो ये जो है ड्रॉडाउन डाउन कर्व थोड़ा सा ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलेगा डू टू द इफेक्ट ऑफ दिस सेकेंड वेल ऑल्सो सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वेल well में ड्रॉडाउन डाउन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है नाउ द थिंग इज इनके बीच में क्या होगा जो दोनों वेल्स हैं वन और टू इनके बीच में क्या होगा इनके बीच में जो डिस्चार्ज जो है यहाँ पे बढ़ जाता है ओके सो दिस इज अ इंक्रीज डिस्चार्ज यहाँ पे यदि आप इनके रिस्पेक्ट में ही बात करें इन दोनों के रिस्पेक्ट में तो यहाँ के इन दोनों वाटर लेवल्स के रिस्पेक्ट में दिस पोर्शन हैज इंक्रीज डिस्चार्ज सो द टोटल इंटरफेरेंस अमंग द टू वेल्स यदि हम इसके रिजल्टेंट कर्व की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिलता है डेट इज अ कम्पोजिट ड्रोडाउन कर्व दिस इज द कन्फाइंड निस का थिकनेस इज स्मॉल बी ओके और जो वाटर लेवल है जो फाइनली बन के आ रहा है डेट इज स्मॉल एच ओके okay, जो दोनों वेल्स के बीच की स्पेसिंग है दैट इज स्मॉल बी बी डिस्टेंस अपार्ट बी डिस्टेंस अपार्ट दि टू वेल्स आर बी डिस्टेंस अपार्ट ओके सो दिस इज अबाउट द कन्फाइंड एक्यूफर अब कन्फाइंड एक्यूफर की यदि हम फॉर्मुले की बात करें तो यदि टू यदिशियल आइडेंटिकल वेल्स एट अ डिस्टेंस बी अपार्ट तो जो हमने पीछे अभी डायग्राम देखा था वही यहां पे हम डायग्राम की बात कर रहे हैं तो दोनों ही केसेस में आप देखिए यहां पे क्या डायग्राम में देख सकते हैं कि यहां पे Q1 वन डिस्चार्ज है और यहां पे Q2 टू डिस्चार्ज है सो इन दिस केस वॉट हैपन्स दिस क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू एंड दोनों ही वेल्स में सेम डिस्चार्ज निकलेगा कितना निकलेगा दैट इज गिवन बाई दिस फॉमुला दैट इज टू पाई के बी इंटू कैपिटल एच स्मॉल एच जो कि क्या है एक तरीके से ड्रॉ डाउन है इन टू एल एन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर इंटू बी और स्मॉल आर क्या है ये रेडियस ऑफ द वेल है और मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पे बात किसकी चल रही है यहाँ बात चल रही है आइडेंटिकल वेल्स की और आइडेंटिकल वेल्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि दोनों ही वेल्स का रेडियस या डायमीटर सेम होगा ओके okay? डिस्चार्ज दोनों में सेम होगा ओके सो एन एन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर इंटू डी और ये कैपिटल आर क्या है यहाँ पर यह है आपका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस अच्छा यदि मैं टॉप व्यू की बात करूँ टॉक अबाउट द टॉप व्यू तो इस सिस्टम के लिए इस वेल well सिस्टम के लिए जो आपको टॉप व्यू देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा और राइट लाइक दिस अगर कुछ ऐसा हो कि एक यदि मैं थ्री में बात करूँ एक वेल यहाँ पर भी रख दो ओके वन वेल इज डग अप इन दिस जोन ऑल्सो तो अगर मैं कहता हूँ कि सिक्सटी डिग्री या फिर मैं कहूँ कि इक्वलेटरल ट्राइंगल के रूप में है सो इन दिस केस वाट विल हैपन इक्वेलेट्रल ट्राइंगल केस में एक और फॉर्मूला दिया गया है दैट इज दिस Q1 वन इजिक्वल टू क्यू टू इजिक्वल टू क्यू थ्री यहाँ पे तीनों ही वेल्स में सेम डिस्चार्ज देखने को मिलेगा एंड दैट विल बी गिवन बाय टू पाई के बी इंटू कैपिटल एच माइन स्मॉल एच अपॉन एल एन आर क्यूब इंट अपॉन दिस स्मॉल आर इंटू बी स्क्वायर यहाँ पे बी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है और ये जो स्मॉल बी है दैट इज वॉट दिस इज द एक्र थिकनेस ये एक्यूफर की थिकनेस है क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कन्फाइंड एक्यूफर की सो दिस इज फॉर द थ्री आर्टिशन वेल्स बट ये कैसे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में है दिस पोर्शन इज कट डाउन एयर तो ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप में यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको ओके ये ऐसा नहीं है ये फॉर्मूला उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जब तीनों ही वेल सेम लाइन में हो उसके लिए ये फॉर्मूला वेलिड नहीं है नॉट इटॉकअ अपाउट द अनकन्फाइंडर इनकेस यदि अनकनफाइंडर होता है तो सेम जो हमने डायग्राम पीछे देखा था और दो ident, दो आर्टिशन वेल्स हैं विच आर एट अ डिस्टेंस बी अ पार्ट एंड क्यू वन एंड क्यू टू सेम दैट इज गिवन बाय पाई के इंटू कैपिटल एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर अपॉन एल एन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल थ्री फॉर थ्री आर्टिशन वेल्स आइडेंटिकल वेल्स एंड एट अ डिस्टेंस बी पार्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्ुलेटरल ट्राइंगल तो फिर ये कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा कि वेल्स हैं एंड दे आर एट अ एंगल ऑफ वॉट सिक्सटी डिग्रीज सो दिस आर द एंगल्स तो अगर इस फॉर्म में रहते हैं तो उसमें भी आपको सेम डिस्चार्ज देखने को मिलेगा तीनों वेल्स में एंड दैट इज इक्वल टू पाई के स्मॉल आर क्या है दिस इज द रेडियस ऑफ द वेल सो वी है कन्फाइंड एंड द अनकनफाइंडर सो दिस इज वन न्यूमेरिकल विच यू कैन डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्लास एंड यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि क्या क्या डेटा दे रखा है टू ट्यूब वेल्स ईच ऑफ टू हंड्रेड एम एम डायमीटर पेनिटेट्स फुली इन अ कन्फाइंड एक्र एंड दिस आर स्पेस एट वन फिफ्टी एम एम फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्चार्ज फ्राम वन वेल टू द डिस्चार्ज फ्राम बोथ द वेल्स अंडर द सेम ड्रॉ डाउन यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस दो सौ मीटर लेना है एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ट्राई ट्राई दिस एट होम एंड देन वी विल डिस्कसिंग इट इन द नेस्ट क्लास थैंक यू फॉर टूडे